हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और ये देखो, हम लोग निकल पड़े हैं अपने गांव जाने के लिए, यानी कि मैं मेरे ससुराल जा रही हूँ। और लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरी ननद की शादी है, सो हम लोग जा रहे हैं सभी लोग गाँव। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि जब भी घर जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और मोस्टली सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब अपने घर जाते हैं। सो हम लोग फाइनली निकल पड़े हैं स्टेशन जाने के लिए। कॉल लगा, पूछो कहाँ पहुंचे हैं, कितना टाइम लग रहा है। थैंक यू भैया। मैं तो कोशिश करके ले आया, द्वार का टाइम है होली का। हाँ, घर पहुंच जाए, कोई भी सवाल लगा के बैठे हैं अभी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन और दीदी का कर रहे हैं वेट। सो दीदी भी आ गई हैं, दीदी नीचे खड़ी हैं, ये गए लेने के लिए। फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में दोनों भाइयों ने मिलके इतनी ज़्यादा मस्ती की ना कि उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो जैसे तैसे करके उनको बिठा ला, एंड उसके बाद फिर जो मैं लंच बना के लेके गई थी वो सब खिलाया पिलाया। और रास्ते का पता ही नहीं चला कैसे कट गया, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं ना साथ में तो पता ही नहीं चलता कि रास्ता कब निकल जाता है। और यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ना तबीयत ऐसी डाउन सी लग रही थी, क्योंकि मेरे को ना कफ हो रखा था, तो मैं लेट गई और दोनों को फिर अलग अलग सीट पर बिठा ला, क्योंकि बहुत मस्ती कर रहे थे। मामा को प्यार हो रहा है। मामा को प्यार तो कर दो रविन। 7-8 घंटे बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं बस अपने घर। और बच्चों ने थोड़ा सा परेशान किया, रॉबिन ने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया ट्रेन में, तो उनको थोड़ा सा वैसा लग रहा था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी ना जो उनको नई नई मिल रही थी ना, तो देख के बहुत खुश भी हो जा रहे थे। और ये निकल गया है डैम, ये था माताटीला डैम। इस डैम के बाद ही हमारा घर आ जाता है। और बच्चे ना मस्ती करते करते सो गए थे, रॉबिन तो सो गए थे, रुद्रांश नहीं सोया था क्योंकि वो बाहर के व्यू को बहुत इन्जॉय कर रहा था। और ये बच्चे आ गए थे तो उनको थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान दे दिया था, क्योंकि हमारे पास था। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गांव, अपने गांव नहीं मतलब अभी पहुंच गए अलीपुर। अब इसके बाद हम जाएंगे ऑटो से, यहाँ से हम पकड़ेंगे ऑटो और ऑटो से निकलेंगे अपने घर के लिए। रॉबिन चले चले इधर इधर जाने इधर आएगा जान सकते हैं। डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम रॉबिन ने ट्रेवल किया है ट्रेन में, इसलिए थोड़ा सा डर है। चलो चलो चलो, लो बैग। बीच में बैठो दोनों, मम्मी साइड में, ये इधर लगा चले। ओए ये वाला बैग, रास्ता इतना ज्यादा खराब था ना, सब उथल पुथल हो गया, सारे बैग वैग। हमारी दुल्हनिया आते साथ ही देवर जी को काम पे लगा दिया, देखो
बैग लेके जा रहे हैं सर। आते साथ ही देखो हमें ताला तोड़ना पड़ रहा है रूम का। ओ मेरे को नहीं लग रहा कि वो टूटेगा, मेरे को नहीं लग रहा वो टूटेगा क्योंकि ना वो बहुत मजबूत ताला है। हाँ क्या हुआ बेटू? इसकी चाबी दादी ले गई, दादी के पास है, दादी आपकी दादी ले गई अपने पास। ये ले बेटू, ये पहन लो, चाय, बुआ चाय लेके आई है गरम गरम। क्या पी ले? पी ली मैंने चाय, देखो मेरा मेरा कप दे रखा है। मैडम को दे दे, मेरे को इतनी सारी चाय दे, ये दे दे, चाय ले ले, छोड़ दी है चाय। बुआ चाय पी लो, एक आध इतनी सारी चाय को पी लो। बुआ मेरे सामने देख ना, ट्रे भर के रख गई इतनी सारी चाय। अरे यार हाथ ना कट जाएगा, समझदार है हम तो। ये देखो अभी भी ताला नहीं खुला है, तोड़ने में लगे हुए हैं। बैठ के तसल्ली से काटो, बहुत टाइम लग रहा है इसको काटने में। अरे चाची चाय तीनों कप, चाची पियो, चाय को ठिकाने लगा ना चाची, चाची को चक्कर लगा इनकी, चाय पी। ये है सर, ये भी है, ये भी है, सही बताओ चाची, बीपी लो हो जाता आपका, बीपी लो हो जाता। क्या करने का क्या था? देखो ले, देखो जो भी उसने चप्पल सीधी तो पहन लेते, उल्टी क्यों पहन ली है? लेना मेरी अमानत को ऐसे, अब टूटी टाटी सहत के रखूंगी। ये देखो ताले का क्या हाल किया, देखो तो जरा ताले को बीच से आरी से काट दिया, ताला ही गर्म हो गया बुआ। मेरा ताला टूटा वो कुछ नहीं है। अच्छा है ना ये, वो भी देखो कितना उछल कूद कर रही है। अच्छा प्यार कर दो उसको, खिला लो अच्छे से, ऐसे हाथ फेरो उस पे। ओ भगो भगो दूर, चलो वो गुस्सा हो रही है, वो मार रही है। सो ये है हमारा रूम। हाँ जल गया। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ आके हम लोगों को सबसे पहले ताला तोड़ना पड़ा। हाँ जल गए, ताला तोड़ना पड़ा क्योंकि इस रूम की चाबी मम्मी के पास थी और कुछ टाइम पहले मम्मी आई हुई थी ना, तो चाबी इसकी लेके चली गई थी। और इस रूम का लॉक हमेशा डला रहता है और चाबी मम्मी के पास रहती है, तो मम्मी आई थी चाबी लेके चली गई और इसलिए हम लोगों को इस रूम का ताला तोड़ना पड़ा। और अभी ये रूम बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है, सो मेरे को ये रूम की करनी है सफाई। ये हमारा सामान रखा हुआ है, मतलब इस रूम में हमारा सामान रखा रहता है, इसलिए हम लोग लॉक डाल के रखते हैं इसमें। बाकी का इसमें को मैं साफ़ करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और मेरे को ना सर्दी भी हो रखी है और बट कोई नहीं, चल लग जाते हैं काम पे क्योंकि ना रूम बहुत ज़्यादा गंदा था ना। और मैंने थोड़ा ऊपर से साफ़ कर लिया क्योंकि ना शाम का टाइम हो रहा था, तो पूरा सामान निकाल के साफ़ करना तो बंद हो नहीं पाता, तो मैंने थोड़ा ऊपर झाड़ू मार ली थी, इतना साफ़ कर लिया था कि बस सोने भर के लिए। और फिर बाकी का नेक्स्ट डे करेंगे। और कल से फिर हमारे घर में शादी की रस्में स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर ना बहुत अच्छे अच्छे वाले ब्लॉग मिलेंगे आप लोगों को देखने के। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये देखो हमारी दुल्हन साहब हमारी हेल्प करवा रही हैं। सो गाइस कमरा तो मैंने साफ कर दिया, अभी लगा रही हूँ पोछा क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, धूल हो रही है। देखो ये होता है ससुराल बहने का, काम पे लगना पड़ता है, बोला इतनी सर्दी हो रही ना ऐसे नाक ऐसे बह रही है टप 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 टप, बट कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, करना तो पड़ेगा।
सो ये रूम मैंने पूरा साफ कर दिया है, बस फटाफट से पोछा लगा लेते हैं एंड बेड पे फिर बेड शीट डालेंगे। मतलब हाथ में पकड़ाई जैसे साबुन ही है ना, फाइनली हम लोग और थक गए हैं काफी आज। आज तो कुछ नहीं हुआ, कल से हमारे घर में शादी की रस्में स्टार्ट होंगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। और अभी हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और कल है होली, तो आप लोगों को हैप्पी होली इन एडवांस। तब तक लिए पप्पा ठीक है, खुश रहिए, ख्याल रखिए एंड हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए एंड बाय बाय। ये तो सो गया, थक गया।